हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं स्टैटिक जीके का फिर से ये दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक पार्ट कवर कर रखा है जिसमें मैंने सारे फेयर्स यानी कि मेले से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने किया था। मेले से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी SSC CGL CPO CHSL MTS या फिर GD में पूछे गए थे पिछले, मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन मेंशन करना चाहिए था, 2018 से लेकर के और 22 तक के पेपर में जितने भी फेयर्स यानी मेले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैंने पार्ट वन में कवर कर रखा है, और जितने भी गिद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पार्ट टू और पार्ट थ्री में कवर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है इसीलिए दो पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ, और जनरल नॉलेज के वीडियो में मैं एक वीडियो में मैक्स टू मैक्स 15 to 20 क्वेश्चन में कवर करता हूं। ठीक है, क्योंकि 15 क्वेश्चन के ही वीडियो बनाने में मुझे लगभग आधे घंटे लग जाते हैं इसीलिए मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा। ठीक है, इसमें भी आपको 15 से 17 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में सॉन्ग्स यानी कि गीत से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो SSC CPO CHSL MTS या फिर GD या CGL वगैरह में पूछे गए हैं वो सारे हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो एग्जाम्स है वो 18 से 22 तक का मैंने कवर कर रखा है। ठीक है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स, देखो टेलीग्राम ग्रुप का मैं नाम लिख देता हूं एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, इस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप यूट्यूब चैनल हमारे एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने दोस्त हैं अपने वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो सारा क्वेश्चन है वो पिनेकल की ये जो सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज की बुक आती है इस बुक से मैंने कवर किया है। जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इसी बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बुक चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है अपने सामने आप देख पाओगे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास डैश ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। ठीक है, यानी कि ओडिशा का एक प्रमुख आपको गायन शैली बताना है, वहां का प्रमुख एक लोकगीत या फिर गायन शैली कौन सा है। इसमें से ऑप्शन है आपके पास कजरी, दसकथिया, पोवारा या फिर सोहर। देखो दोस्तों, यहां पर चूंकि अब टाइम भी हमारे पास कम रह गया है, मार्च के फर्स्ट वीक में CGL मेंस का पेपर होना है, इसलिए मैं डेली कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक वीडियो आपके पास तक पहुंचा दूं, और चूंकि आज मेरे पास मैथ्स की PPT रेडी नहीं थी इसलिए मैं मैथ्स का वीडियो ना ला पाया, लेकिन मैंने कोशिश किया कि चलो उसके बदले स्टैटिक जीके की वीडियो ला दूं मैं। ठीक है, तो और वैसे आपको बता दूं कि मैथ्स से ज्यादा मेहनत तो इसमें है मेरे लिए स्टैटिक जीके की वीडियो लाने में। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि दोनों आ पाए। ठीक है, अब इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं सोचना है, ज्यादा कमेंट नहीं करना है, बस स्टैटिक जीके की वीडियो में टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को कि जैसे आप इसका सोल्यूशन बनाओ या फिर आप इसका आंसर बताओ, ऐसे करने पर टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है, और वो सब लाइव क्लासेस में की जाती हैं, और लाइव क्लासेस में अगर हम ऐसा करने भी लगे मान लो तो वैसे में हुआ कि क्वेश्चन कम और टाइम ज्यादा हो जाता है वैसे में। ठीक है, ज्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन कम हो पाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट हर एक क्वेश्चन में आंसर और उसका जो भी डिटेल्स बताना है वो मैं बताते चलूंगा, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन था कि ओडिशा का प्रमुख गायन शैली एक बताना था, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि दसकथिया। दसकथिया जो है वो ओडिशा का एक प्रमुख गायन शैली है। बाकी अगर बात करें आप कजरी की तो कजरी यूपी यानी उत्तर प्रदेश का गायन शैली है। पोवारा जो है ये महाराष्ट्र का है, और सोहर जो है ये बिहार का है। ठीक है, सोहर कहाँ का लोकगीत है? बिहार का लोकगीत है, जो जनरली शादियों में भी गाया जाता है और कई तरह के अलग अलग फंक्शन में गाया जाता है। पुवाड़ा जो है ये महाराष्ट्र का, और कजरी जो है वो यूपी का है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं ओडिशा के बारे में और अलग जानकारी की, तो ओडिशा के बारे में देखो, जैसे ओडिशा के बारे में एक चीज याद रख सकते हो कि ओडिशा जो है ये अयस्कों के कई सारे ऐसे अयस्क हैं जिनके उत्पादन में ये पहला स्थान रखता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में सबसे आगे है। ये कौन कौन से अयस्क हैं? देखो, एक तो बॉक्साइट है, बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है ये किसका अयस्क है? बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। दूसरा जो है आपके पास ये है हेमेटाइट, लौह अयस्क आप बोल सकते हो हेमेटाइट। ठीक है, इसके साथ है एक और क्रोमाइट। ठीक है, याद कैसे रखोगे? देखो, सबके लास्ट में इट जुड़ रहा है, और वैसे इट उसी में जुड़ता है जो अयस्क होता है। जनरली अयस्क के जो नाम होते हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, उसमें लास्ट में आइट जरूर लगता है। ठीक है, तो ये तीनों जो अयस्क हैं इनका उत्पादन में सबसे आगे यानी कि फर्स्ट जो स्थान है पहला वो ओडिशा का है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और दो तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। जैसे पहला पूछ सकता है कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में सबसे आगे कौन है। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है,
और दूसरा पूछ सकता है उसके स्टोरेज में या फिर उसका स्टोर किसके पास सबसे अधिक है, यानी कि भंडारण किसके पास उसका सबसे अधिक है, ठीक है, यानी कि कौन सबसे ज्यादा उसको स्टोर करके रखा है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे प्रोडक्शन में अगर बात करें अयस्क में, तो प्रोडक्शन में पहला स्थान उड़ीसा का है, ठीक है, और इसके स्टोरेज में भी पहला स्थान जो है वो उड़ीसा का ही है, ठीक है। बॉक्साइट की अगर आप बात करो जैसे, ठीक है, सॉरी यहां पर तो अयस्क पर मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ये बॉक्साइट के लिए ही मैं बताना चाहता था बेसिकली, कि बॉक्साइट के प्रोडक्शन में भी उड़ीसा सबसे आगे है और स्टोरेज में भी सबसे आगे है। हेमेटाइट की बात करोगे तो प्रोडक्शन में सबसे आगे उड़ीसा है, लेकिन इसके स्टोरेज में सबसे आगे है कर्नाटक, ठीक है। यानी कि हेमेटाइट जो लौह अयस्क है, इसका जो सबसे ज्यादा स्टोर है वो किसके पास है, सबसे अधिक भंडार कर्नाटक के पास है, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन सबसे अधिक कहां हो रहा है, उड़ीसा में, ठीक है। ऐसे ही क्रोमाइट की बात करें तो ये प्रोडक्शन और स्टोरेज दोनों में ही उड़ीसा आगे है। तो यहां से आप ये समझ पाए कि उड़ीसा किन चीजों में सबसे आगे है। अगर उड़ीसा का कुछ प्रमुख मैं स्कीम एक बताऊं, जो जनरली मुझे लगता है क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो ये है घर पर, मैं साथ साथ के कोशिश करता हूं कि जो भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं इस स्टेट से वो भी कवर कर लूं, ठीक है। तो घर पर पोषण योजना ये उड़ीसा की सरकार ने चलाया है। इस योजना में होता क्या है कि ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं, किस मामले में कमजोर हैं भाई, देखो एक तो कि वो आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां उनका भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता है और वो उनका जो विकास है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनके घर तक जाकर के जो सरकार है वो पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। तो ये है घर पर पोषण योजना उड़ीसा का, ठीक है। उड़ीसा में अगर आप नेशनल पार्क की बात करोगे तो उड़ीसा के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क का, आपको याद होगा शायद, सिमलीपाल नेशनल पार्क, और दूसरा है आपके पास भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका भी उड़ीसा का लोक नृत्य बोल रहा हूं, नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है अपने सामने, पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप कौन सा है इसमें से, ठीक है, यानी कि पंजाब का कौन सा एक प्रमुख संगीत है। ऑप्शन है कव्वाली, गजल, टप्पा या फिर भजन। देखो यहां पर जो सही आंसर है अपने पास वो है टप्पा। टप्पा जो है ये पंजाब का एक प्रमुख संगीत है। बाकी कव्वाली की अगर आप बात करो और भजन की बात करो तो दोनों लगभग सेम है, अंतर इतना है कव्वाली जो है ये जनरली मुस्लिम धर्म में यूज किया जाता है, मुस्लिम धर्म में धार्मिक संगीत हो गया, मुस्लिम या फिर सूफी संत भी इसको यूज करते थे पहले, ठीक है। हालांकि अब जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम धर्म के धार्मिक गीत में ही ये यूज हो, ठीक है, अब इन जनरल भी यूज होते हैं, कव्वाली आपने सुना होगा। और इसी का अपोजिट है भजन जो है, भजन भी लगभग धार्मिक गीत है, ठीक है, लगभग नहीं धार्मिक गीत है ही, और ये यूज होता है हिंदू धर्म में जनरली धार्मिक गीत में। गजल आप जानते हो, गजल नॉर्मल जो थोड़े लंबे गीत होते हैं उनको गजल बोलते हैं, हालांकि ये अरबी भाषा से शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है, गजल की मैं बात कर रहा हूं, अरबी कविता या फिर गीत गाया जाता था गजल में। अब अगर बात करूं मैं पंजाब राज्य की, तो जो पंजाब है दोस्तों, पंजाब में जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु, यहाँ का जो राजकीय पशु है उसका नाम है ब्लैक बक। जनरली हिंदी में इसको काला हिरन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी में भी अगर आप पेपर दे रहे हो तो ब्लैक बक ही लिख के आता है। और इसके अलावा पंजाब के अलावा जो ब्लैक बक है ये और दो स्टेट का स्टेट एनिमल है, जिसमें पहला है आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है हरियाणा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और हरियाणा दोनों का ही स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु है ब्लैक बक, और इसके साथ साथ पंजाब का भी जो राजकीय पशु है वो है ब्लैक बक। पंजाब में अगर आप योजना की बात करो तो यहां पर मेरा घर मेरे नाम योजना चल रहा है, मेरा घर मेरे नाम योजना, यानी कि जो भी घर है वो उस पार्टिकुलर आदमी के नाम पर रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, चलिए अगला सवाल है अपने पास, देखिए, ललिता इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम, यानी कि ललिता कहां का एक लोक संगीत है, किस राज्य का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, महाराष्ट्र का या फिर गुजरात का। तो दोस्तों ललिता जो है, ललिता ये महाराष्ट्र का एक लोक संगीत है, ठीक है, लोक संगीत कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का एक लोक संगीत है, कौन सा, ललिता, ठीक है, ये बात याद रखिए। अच्छा, महाराष्ट्र की अगर और दूसरे फेमस लोक संगीत की अगर आप बात करो तो उसमें आता है अपना कीर्तन, हालांकि यूपी बिहार की तरफ ही चलता है। इसके अलावा है अभंग,
अभंग महाराष्ट्र का लोक संगीत है या फिर लोक गीत कह सकते हो आप। इसके अलावा है एक गोधल जो आप याद रख सकते हो, गोधल ये भी आ सकता है। अच्छा देखो ये हो गया, ये जो थे ये सॉन्ग्स थे वहां के, ठीक है, फोक म्यूजिक थे। फोक डांसेस भी होते हैं, तो अगर आप डांसेज की बात करो यानी कि नृत्य की, ठीक है, लोक नृत्य की अगर यहाँ की बात करो, तो जो सबसे फेमस लोक नृत्य है महाराष्ट्र का, जो एसएससी में कई बार पूछा गया है और रेलवे में भी, वो है लावणी। याद रखिएगा, आगे इसी वीडियो में आपको देखने को मिल सकता है, लावणी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावे है पोव दास और तमाशा, और भी कई सारे लोक नृत्य हैं, लेकिन सबको याद रखने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन बनने लायक है, आने लायक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ का एक चावल है जिसका नाम है बारा कोलम, ये महाराष्ट्र का एक चावल है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया था 2021 में, ठीक है, जीआई टैग इसको मिला था 2021 में। अगर अब आप मुझसे पूछो कि महाराष्ट्र किन चीजों के उत्पादन में प्रथम है, तो अगर प्रोडक्शन में आप बात करो कि प्रोडक्शन में किसके किसके प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो है अपने पास ज्वार, दूसरा है चीनी यानी कि सुगर, तीसरा चीज है अपने पास प्याज अनियन, और है आपके पास अंगूर यानी कि ग्रेप्स, ठीक है। तो ये चार ऐसे चीज हैं जिनके उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, लेकिन चीनी जो है वो गन्ने से बनाई जाती है, सुगर केन से। तो अगर गन्ना के उत्पादन में आपसे पूछा जाए कि पहला कौन है, तो गन्ना के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, चीनी के उत्पादन में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, ठीक है, और गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान है यूपी का। महाराष्ट्र का जो स्थान है गन्ना उत्पादन में वो दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले आपके लिए एक सवाल मैं लिख देता हूं, उसका जो आंसर है वो आप बताओगे। आपको बताना है महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी, ठीक है, महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी यानी कि जो स्टेट बर्ड है वो क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी लोक गीत शैली पश्चिम बंगाल, असम, बांग्ला और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है। पश्चिम बंगाल में, असम में और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में, आप मैप पे देखोगे तो तीनों एक दूसरे के आसपास के एरिया है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वो लोक नृत्य है जो इस तीनों ही जगहों पर, तीनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ है या फिर तीनों ही जगहों पर प्रचलित है, ठीक है। तो जो अपने पास ऑप्शन है वो है चलो रोपी, भवैया और रेखमपारा। तो जो सही आंसर है वहां पर वो है भवैया। भवैया जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी प्रचलित है और उसके साथ बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में भी भवैया चलता है। बाकी जो ऑप्शन है इनकी मैं बात करूं तो जो चलो है, चलो चलो जो है ये हरियाणा का लोकगीत है, ठीक है, हरियाणा का। और बाकी जो बच गया आपके पास रोपी और रेखम पारा, ये दोनों जो लोक नृत्य है ये है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, ओवी एक विशिष्ट लोक गीत है जो महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों का वर्णन करने वाले दोहों से बनता है, ठीक है, महिलाओं के मातृ और वैवाहिक घरों में जो सिचुएशंस होती हैं उनके वर्णन करने के लिए दोहों से बना हुआ है और पूरे दिन नियमित काम करते हुए गांव की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। आपको ये बताना है कि ये जो ओवी लोक संगीत है ये किस राज्य का लोक संगीत है ओवी। ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, गोवा, असम या फिर महाराष्ट्र। मिजोरम, गोवा, असम या फिर महाराष्ट्र। तो आपको बता दे दोस्तों, जो ओवी है ओवी महाराष्ट्र का लोकगीत है, ठीक है, ओवी जो है ये महाराष्ट्र का लोकगीत है, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में मैंने वैसे आपको बताया था कि यहाँ का एक चावल है जिसे जीआई टैग मिला था, चावल का क्या नाम था दोस्तों, वारा कोलम, ठीक है। अभी मैंने महाराष्ट्र से आपको लिए एक क्वेश्चन भी पूछा था कि महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो ये तो आपको बताना ही है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर महाराष्ट्र के आप कुछ योजना की बात करो तो यहाँ का एक प्रमुख स्कीम है जिसका नाम है जिवला योजना, जिवला योजना। अब जिवला योजना क्या है, जिवला योजना ये है कि जो तीन साल से अधिक सजा, अधिक की सजा काट रहे जो भी कैदी हैं, 3 साल से अधिक क्या सजा काट रहे जो भी कैदी हैं, उनको पर्सनल लोन देने के लिए योजना बनाया गया है कि उनको जो पर्सनल लोन देना है वो 50
1000 तक का उन्हें पर्सनल लोन दिया जा सकता है, 50,000 तक का, ठीक है। ये है जीवला योजना, आपको याद रखना है, ठीक है। और बाकी इसके यहां पर मैंने ये बता ही दिया था कि किसके किसके उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है, जिसमें था ज्वार, चीनी, चीनी के साथ था आपका अंगूर, और ज्वार हो गया, चीनी हो गया, अंगूर हो गया, और एक चीज था अपने पास प्याज, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है, और क्वेश्चन अभी भी वही है आपका, राजकीय पक्षी क्या है ये बताना है। अगला सवाल है, फिल्म निर्माता जिनका नाम है उत्पल बोर पुजारी, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है सॉन्ग्स ऑफ द डैश, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री का पूरा नाम नहीं लिखा है, सॉन्ग्स ऑफ द डैश यहां पे छोड़ दिया है। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है इनकी, ये नागा जनजातियों के लोकगीतों और उनके संस्कृति पर आधारित है, ठीक है। नागा जनजाति जो है ये नागालैंड की एक जनजाति है, ये ऐसे भी आप याद रख सकते हो, नागा से नागालैंड, ठीक है। तो अभी आपको बताना है, नागा और कुकी आपने नाम सुना होगा, जो इनकी डॉक्यूमेंट्री है उत्पल जी की, उसका क्या नाम है, पूरा नाम आपको अगर आप याद होगा तो यहाँ पे आप फिल कर पाओगे, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ द डैश, तो क्या आएगा यहां पर, ऑप्शन है ब्लू रिवर, ब्लू स्काई, ब्लू अर्थ या ब्लू हिल्स, ठीक है। ब्लू रिवर, ब्लू स्काई, ब्लू अर्थ और ब्लू हिल्स, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है अपने पास ब्लू हिल्स, ठीक है। क्या है दोस्तों, ब्लू हिल्स। अब अगर मैं बात करूं नागालैंड की, तो नागालैंड की जो प्रमुख नृत्य है, मैं नृत्य की बात कर रहा हूं, सॉन्ग की नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसमें आता है एक तो भोर से यहां का प्रमुख नृत्य है, इसके अलावा एक और नृत्य है जो आप याद रख सकते हैं, उसका नाम है कुकी नृत्य। जैसे मैंने नागा और कुकी बताया था, तो कुकी नृत्य, ठीक है। एक और नृत्य आप याद रख सकते हैं इसके साथ साथ, वो है लीला पट्टू, ठीक है, लीला पट्टू। तो ये यहाँ के नृत्य हैं जो आप याद रख सकते हैं। नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है जो कई बार आया है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, इसे जरूर से याद रखिए। अगला सवाल है आपके पास, पांडवानी डैश की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है, ठीक है। यानी कि पांडवानी जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध लोक कथा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर कर्नाटक। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो जो पांडवानी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक कथा है, ठीक है। पांडवानी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक कथा है। अगर आप छत्तीसगढ़ में अन्य लोक कथाओं की बात करोगे तो इसमें आ जाएगा, एक तो ढोला मारू है, ये वहां का एक लोक कथा है जो कि काफी प्रचलित है, आपको याद रखना चाहिए। ढोला मारू ये आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ढोला मारू, ठीक है। इसके अलावा है एक लोमरी और महादेव, लोमरी और महादेव, और एक दो है जो आप याद रख सकते हैं, जिसमें से मैं एक बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, सदा वृज, सॉरी वृज लिखना है हमें, सदा वृज सारंगा, ठीक है, सारंगा। अच्छा, और छत्तीसगढ़ में अगर आप ये पूछें कि छत्तीसगढ़ में जो अभी फिलहाल के टाइम पर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर के लिए, तो उसमें दो योजना है जो आप याद रख सकते हैं। एक तो कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है, और दूसरा आप याद रख सकते हैं वो है हमर बेटी हमर शान, ठीक है, ये याद रख सकते हैं, हमर बेटी हमर मान, सॉरी शान नहीं है, शान और मान में थोड़ा फर्क है, ठीक है। अच्छा देखो, छत्तीसगढ़ किसके किसके उत्पादन में प्रथम है, देखो उत्पादन वाला मैं हमेशा बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये कोयला और टीन में सबसे आगे है उत्पादन में, ठीक है, भंडारण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उत्पादन की। तो कोयला और टीन दोनों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है, ये आप याद रखिएगा, पहले स्थान पर है। अब छत्तीसगढ़ के कुछ नेशनल पार्क आप याद कर लीजिए, हालांकि बहुत ज्यादा नेशनल पार्क की संख्या नहीं है, यहां पर दो ही नेशनल पार्क मुझे लगता है कि आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, दो या फिर तीन, जिसमें से एक तो है गुरु घासीदास जो आया हुआ है, तो आपको याद रखना चाहिए ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है वो याद रखना है आपको इंद्रावती, ये भी आया हुआ है, इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क हो गया। और लास्ट जो आप याद रख सकते हैं वो है कांगेर घाटी,
कांगेर घाटी नेशनल पार्क। एक जियोग्राफी का बहुत अच्छा जियोग्राफी का क्वेश्चन है जो आप चाहो तो याद रख लो। आपने ये सुना होगा कर्क रेखा का नाम, एक तो जो 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, उसको कर्क रेखा बोलते हैं। और एक होता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो ये दोनों जो है वो भारत में एक दूसरे को कहां पर काटता है, जो भारत का जो टाइम निर्धारित करने वाला लाइन है जो कि प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो आपके लिए बस सवाल इतना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा भारत में एक दूसरे को कहां पर काटता है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला सवाल है आपके पास कि भगवान विठोबा की स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति काव्य का निम्नलिखित में से कौन सा रूप है, यानी कि जो भक्ति कविता है जो भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाता है उनका कौन सा रूप इसमें है, ठीक है, जिसमें से ऑप्शन है आपके पास शबद, अभंग, तेवरम या फिर भटियाली। शबद, अभंग, तेवरम या फिर भटियाली। तो जो सही उत्तर है अपने पास वो है अभंग, ठीक है। अभंग जो है वो भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला एक भक्ति संगीत है, या फिर आप भक्ति कविता कह सकते हो। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भालारी डैश के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसान अपने खेतों में काम करते हुए गाते हैं। देखो अलग अलग स्टेट में जो किसान है वो खेतों में काम करते हुए अलग अलग गीत गाते हैं, जिसमें से भालारी एक ऐसा ही गीत है जो किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते हुए गाया जाता है। आपको बताना है कि जो भालारी है वो इसमें से कहाँ का लोक गीत है, राजस्थान का, महाराष्ट्र का, हिमाचल प्रदेश का या फिर बिहार का। तो जो सही उत्तर है अपने पास वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बारे में कई सारे डिटेल मैंने पहले ही बता दिया है इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। बस ये बता देता हूं कि महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपको याद रखना है, जिसमें से एक है ताडोवा नेशनल पार्क, अभी तक आया नहीं एसएससी में लेकिन आ सकता है। दूसरा है चंदोली अलग अलग पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है नवे गांव, ठीक है, ये बहुत बार आया है नवे गांव नेशनल पार्क, ठीक है ना, नवे गांव नेशनल पार्क आपको याद रखना है। और एक बोरीवली में है जिसे संजय गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो। हालांकि संजय गांधी के नाम पर कई सारे जगह पर, जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रीय पार्क नहीं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो जो जू है संजय गांधी के नाम पर, चिड़ियाघर एक ये पटना में भी है, लेकिन अभी हम नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो संजय गांधी नेशनल पार्क ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अगर आप यहाँ के सीएम की बात करो तो सीएम यहाँ के चेंज हुए थे, तो ये आप याद रख सकते हैं, श्री एकनाथ शिंदे, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास काफी लंबा है लेकिन आंसर उतना ही छोटा है। सवाल है चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और चक्रधर ललित कला केंद्र द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की गौरवशाली स्मृति को मनाने के लिए किया जाता है, जिन्होंने संगीत में डैश घराने की स्थापना की थी। अब देखो इतना सारा क्वेश्चन लिखने में जो मेन क्वेश्चन आपका है बस वो ये है कि जो महाराजा चक्रधर सिंह है, ठीक है, महाराजा चक्रधर सिंह जो हैं, ये कौन से संगीत में, मतलब संगीत में कौन से घराने की स्थापना की थी। जैसे आपने सुना होगा लखनऊ घराना, इलाहाबाद घराना, ग्वालियर घराना, रायगढ़ घराना, तो अलग अलग ऐसे संगीत के घराने होते हैं। तो आपको बताना है कि जो महाराजा चक्रधर सिंह हैं ये कौन से घराने की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। तो इनके लिए जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रायगढ़ घराना की स्थापना जो किया था वो महाराजा चक्रधर सिंह ने किया था। इसके अलावा अगर आप लखनऊ घराने की बात करो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंडित बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा, तो जो पंडित बिरजू महाराज, इनकी मृत्यु जो है वो 2022 में हुई थी, तो जो पंडित बिरजू महाराज, इनका जो पूरा नाम था वो ब्रिजमोहन मिश्रा था, ठीक है। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे ये भी लखनऊ घराने से संबंधित थे, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, उत्तर होगा लखनऊ घराने से। अगर लखनऊ घराने के संस्थापक की आप बात करो कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो जो इनका नाम है लखनऊ घराने के संस्थापक की, ये हैं उस्ताद बख्श खां,
ठीक है, उस्ताद बख्श खां। और इसकी जो स्थापना हुई थी लखनऊ घराने की, ये भी आप याद रख लेना, लखनऊ के जो अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं, उनका नाम था वाजिद अली खान। तो वाजिद अली ऐसे होगा ना, वाजिद अली खान या फिर शाह भी इनको कई जगह बोला जाता है, आप देख लेना अपना, ठीक है। इनके संरक्षण में यानी कि इनके टाइम में लखनऊ घराने की स्थापना की गई थी उस्ताद बख्श खां द्वारा, ठीक है। और लखनऊ घराने से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो हैं पंडित बिरजू महाराज, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मांडो जो है वो किस राज्य का एक लोकगीत है? मांडो किस राज्य का लोकगीत है? बिहार, मणिपुर, गोवा या फिर राजस्थान? तो आपको बता दें कि मांडो जो है ये गोवा राज्य का लोक नृत्य है, सॉरी लोक नृत्य नहीं लोकगीत है, ठीक है। मांडो जो है वो गोवा राज्य का लोकगीत है और गोवा बहुत ही छोटा राज्य है। यहां पर जो टोटल जिलों की संख्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये मात्र दो है, ठीक है। अच्छा, गोवा के बारे में कुछ और जानकारी अगर आपको लेना है तो गोवा के बारे में बता दूं कि गोवा में प्रमुख जो नेशनल पार्क है वो है मोलेम नेशनल पार्क, ठीक है, मोलेम नेशनल पार्क। गोवा जो है वो पर्यटन के लिए काफी फेमस है। गोवा की जो राजकीय भाषा है यानी कि स्टेट लैंग्वेज जो है यहाँ का वो है कोंकणी, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो फिलहाल में यानी कि वर्तमान में जो गोवा के सीएम है वो है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट सीएम की बात करूं कि यहाँ के जो पहले सीएम थे वो कौन थे, तो जो गोवा के पहले सीएम थे उनका नाम था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह राणे। अब आपके लिए एक सवाल मैं लिख देता हूं, जो आपको बताना है वो बताना है गोवा के फर्स्ट गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन थे। गोवा के पहले राज्यपाल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गोवा की अगर स्थापना आप पूछो तो ये 30 तारीख को हुआ था, 30 मई 1987 को, ठीक है, 1987 को। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए एक रहा कि गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। अगला प्रश्न है आपके पास पदावली कीर्तन। पदावली कीर्तन जो है वो डैश की प्रशंसा में पश्चिम बंगाल में 15वीं से 17वीं शताब्दी के मध्ययुगीन काल में रचित गीतों को संदर्भित करता है, यानी कि किसकी प्रशंसा में ये पदावली कीर्तन किया जाता था, ठीक है। कीर्तन जो है वो एक तरह का संगीत ही होता है, आपने सुना होगा जैसे भजन कीर्तन बोलते हैं, तो भजन कीर्तन लगभग एक ही जैसा होता है। आपको बस ये बताना है कि पदावली नाम का जो कीर्तन है वो इनमें से किसकी प्रशंसा में पश्चिम बंगाल में यूज किया जाता था, ठीक है। ऑप्शन है शक्ति, विष्णु, शिव या फिर ब्रह्मा। तो जो सही आंसर है वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की प्रशंसा में पदावली कीर्तन गाया जाता था। हालांकि पदावली का मतलब होता है गीतों का संग्रह, ठीक है, जो पदावली है इसका मतलब ही होता है गीतों का संग्रह, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं किया इसमें ज्यादा। देखो एक सवाल मुझे याद आ रहा है जो मैंने नहीं बताया गोवा के टाइम पर, कि गोवा का जो आपका स्टेट एनिमल है ये गौर है, मैं उस टाइम पर भूल गया लेकिन अभी याद आया तो मैंने बता दिया। और गोवा के लिए अगर आप स्टेट बर्ड की बात करो यानी कि राजकीय पक्षी की, तो वो है बुलबुल, ठीक है, यानी कि जिसको नाइटिंगेल बोलते हैं आप। ये अगला सवाल है कि थुलाल जो है वो डैश राज्य का एक एकल व्यंग्य नृत्य है, ठीक है। थुलाल कहाँ का एकल व्यंग्य नृत्य है? तो जो थुलाल है इसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल या फिर गोवा। सही आंसर है अपने पास केरल, ठीक है, केरल का एक व्यंग्य नृत्य है थुलाल, ठीक है। अच्छा देखो, केरल में अगर आप बात करो कि केरल किस चीज में आगे है, सबसे आगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अपने पास छत्तीसगढ़ था वो कई चीजों में आगे था, जैसे कोयला के उत्पादन में आगे था छत्तीसगढ़, और साथ में टीन के उत्पादन में आगे था। ऐसे ही हमने महाराष्ट्र की बात किया कि महाराष्ट्र जो है वो प्याज, चीनी, अंगूर और ज्वार के उत्पादन में आगे था। वैसे ही केरल किस चीज के उत्पादन में आगे है, तो ये बागवानी के क्षेत्र में, ठीक है, जो कुल बागवानी फसल होता है ना, कुल बागवानी फसल में ये आगे है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है, कुल बागवानी फसल, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी केरल के जो सीएम है वर्तमान में पिनरई विजयन है, पिनरई
विजयन, ये पहले गुजरात के भी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, गुजरात के भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अभी ये केरल के सीएम हैं। और केरल की अगर फर्स्ट सीएम की आप बात करो कि पहले सीएम यहाँ पे कौन थे, तो उनका नाम बहुत ही अच्छा है, नाम है ESM नंबू दिरीपाट जी, ठीक है, तो ESM से आप याद रख सकते हो, ESM नंबू दिरीपाट जी, ठीक है। बाकी देखो केरल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे केरल का राजकीय पशु तो स्टेट एनिमल जो है यहाँ का वो तो एलिफेंट है, यानी कि हाथी, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ का पेड़ बात करो, नेशनल में बोल रहा हूँ, स्टेट ट्री कौन सा है, तो कोई भी इजिली बता सकता है, नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री, ठीक है, नारियल का पेड़, ठीक है ना। पक्षी की अगर आप बात करो, राजकीय पक्षी यानी कि स्टेट बर्ड कौन सा है, तो वो है ग्रेट हॉर्नबिल, ये आया हुआ प्रश्न है रेलवे में, आप याद रख सकते हो ग्रेट हॉर्नबिल, ठीक है ना। केरल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य भी हैं जो कई बार आ चुके हैं, जैसे कथकली है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य एक है क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम, बहुत ही फेमस है, ठीक है, मोहिनी अट्टम, जैसे भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, वैसे ही मोहिनी अट्टम है यहाँ का, ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है। बाकी और ओडम है, आप ओडम भी याद रख सकते हैं, ठीक है, काली अट्टू है, लेकिन ये सब उतना नहीं आते हैं, ठीक है, काली अट्टू फिलहाल मैं लिख देता हूं, आप याद रख सकते हैं इसे। बाकी यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केरल में भी देखो GI टैग मिला है, दो चीजों को जो आप याद रख सकते हो, एक तो यहाँ का आम है यानी कि मैंगो, जिसका नाम है, देखो एक मिनट, जो मैंगो है उसका नाम है कुंटी अट्टूर, ठीक है, आप अपना समझ लेना, इससे आप समझ जाओगे, ठीक है। और एक मिर्च भी है यहाँ का, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट करके बताओगे कि केरल का कौन सा मिर्च है जिसे GI टैग दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ का कौन सा मिर्च है जिसे GI टैग मिला है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा इस वीडियो में, होमवर्क रहा आपके लिए, ठीक है। बाकी देखो SSC CGL में ही एक प्रश्न पूछा गया था 2022 वाले में, ठीक है, जो 2022 का प्री हुआ है CGL का, उसके प्री में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा त्योहार जो है वो अगस्त के महीने में मनाया जाता है, ठीक है, तो अगस्त के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार जो है वो ओनम था, उस पार्टिकुलर प्रश्न में उत्तर, और ओनम जो है ये भी केरल का ही एक त्योहार है, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, केरल है, केरल का त्योहार जो है वो ओनम है। इसके अलावा आप त्रिशूर पूरम भी याद रख सकते हैं, त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम आप कैसे याद रखोगे, केरल का जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, और त्रिशूर पूरम में भी पूरम आ रहा है, तिरुवनंतपुरम में भी पूरम आता है, तो इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर पाओगे और याद रख पाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अभी एक दो प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग आप देखोगे तो लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, और मैंने बोला भी था कि 15 क्वेश्चन करेंगे और आधे घंटे में हम खत्म करेंगे वीडियो को, फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नए वीडियो में। अभी मैं कर देता हूं, अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक सदाव सादव, एक सादव राग में केवल डैश नोट के पैमाने होते हैं, ठीक है, और ये CHSL में आया हुआ है, ठीक है, एक सादव राग में कितने नोट के पैमाने होते हैं, ऑप्शन है 7, 8, 5 या फिर 6, ठीक है, 7, 8, 5 या फिर 6, तो जो सादव राग होता है इसमें केवल 6 राग होते हैं, 6 राग या फिर 6 नोट आप कह सकते हो, ठीक है, सादव राग में टोटल 6 स्वर होते हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर 6 नोट आप कह सकते हो, जबकि जो इंडिया का क्लासिकल डांस जो होता है, ठीक है, क्लासिकल डांस नहीं, क्लासिकल संगीत यानी कि म्यूजिक, ठीक है, क्लासिकल जो म्यूजिक है इसकी अगर आप बात करो तो भारत का जो क्लासिकल म्यूजिक है यानी कि शास्त्रीय संगीत, इसमें टोटल 83 राग होते हैं, ठीक है, टोटल 83 राग। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर, अंतिम प्रश्न है आपके पास, मांड जो है ये मुख्य रूप से डैश की एक पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक क्या होता है, ट्रेडिशनल, ठीक है, यानी कि पुराने टाइम से जो चला आ रहा हो लोक गायन शैली है, तो मांड कहां का लोक गायन शैली है ये आपको बताना है, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, राजस्थान का या फिर बिहार का, तो जो मांड है दोस्तों ये राजस्थान का प्रमुख गायन शैली है, राजस्थान,
जी आपको याद रखना है, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान का प्रमुख मेला आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मेले वाला में, पुष्कर मेला जो बेसिकली ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, पुष्कर मेला जो कि कहां पर लगता है, अजमेर, ठीक है, अजमेर राजस्थान में। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। और फिर इसके जस्ट बाद आपको मिलेगा परसेंटेज का, देखो अब मैंने शेड्यूल बना लिया है अपना कि जो आपको अरिथमेटिक के वीडियो मिलेंगे, इसमें कौन कौन से वीडियो आने वाले हैं, पहले परसेंटेज आएगा, फिर रेशियो आएगा, रेशियो के साथ साथ उसी में एज भी मिल जाएगा आपको और पार्टनरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसके आगे अगर आप अपने तरफ से कोई चैप्टर देना चाहते हो तो लिख के भेज सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बाय।